Hi friends, welcome to Sarkandron LDCE classes. Sarkandron LDCE classes में आपका स्वागत है. आज हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में हुए CCTC के एग्जाम पेपर को डिस्कस करेंगे. यह एग्जाम 19 मई 2024 को हुआ है. यह एग्जाम 19 मई 2024 को हुआ है. और आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ये एग्जाम हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस तरह का क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, जो हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए नोट्स पढ़िए, बहुत ही फायदेमंद है. रेलवे का जो करेंट है उसको देखिए, बहुत ही फायदेमंद है. आप जिस डिवीजन में जिस जोन में वर्क करते हैं उसके आप बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिए. ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन सबों के साथ हमें एक स्मार्ट तैयारी करनी चाहिए. कहने का मतलब है कि अभी जो आईआईटी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर उसके ट्रेंड को देखिए, अगर उसके क्वेश्चन पैटर्न को देखिए, तो बहुत कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं. इसीलिए समय के साथ चलना भी ज़रूरी है और समय के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है. तो स्मार्ट स्टडी कीजिए. स्टडी तो करना है लेकिन स्मार्ट स्टडी कीजिए. कहने का मतलब है कि अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिल रहे हैं या जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं, उसे एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक से, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. इससे एक आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हमें कौन सा टॉपिक पे कितना फोकस करना चाहिए. ठीक है ना, तो आइए क्लास शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNR. PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए PNR का जो फुल फॉर्म होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है. आइए ऑप्शन को देखते हैं. पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसमें से पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा. देखिए अगर आप ऑप्शन सी को सही से नहीं पढ़िएगा तो वहीं आंसर कर दीजिएगा. प्रॉपर नेम रिकॉर्ड दिखा हुआ है. इसलिए बार बार कहते हैं कि जब भी आप एग्जाम में भाग लेते हैं, जब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके ऑप्शन को बड़ा केयरफुल होकर पढ़िए. क्योंकि जो सेटर क्वेश्चन को सेट करते हैं ना, वो भी इस तरह से ऑप्शन देते हैं. अगर गौर से नहीं पढ़िएगा, केयरफुली नहीं पढ़िएगा, तो आप उसका आंसर गलत कर जाइएगा. ठीक है ना. तो यहाँ जो इसका ऑप्शन होगा PNR का, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा. इनमें से कोई नहीं. अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCA. IRCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IRCA का जो फुल फॉर्म होता है वह इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन होता है. ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. देखिए ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा. PNR का एक्सपेंड फॉर्म भी ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा. मतलब एक्सपेंड फॉर्म से, विस्तृत रूप से, लॉन्गेस्ट रूप से, लॉन्ग फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, उसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसलिए बार बार कहते हैं कि नोट्स पढ़िए, साथ में सरकंडन LDCE क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, या @ सरकंडन प्रिय भी सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आप उस चैनल पर जा सकते हैं. वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो IRCA का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन. ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज NTKM. NTKM का मतलब क्या होता है? तो देखिए NTKM का जो मतलब होता है वह नेट टन किलोमीटर होता है. तो NTKM नेट टन किलोमीटर, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा. अगर आप ऑप्शन ए को देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ न्यू टन किलोमीटर, जबकि NTKM का फुल फॉर्म होता है, एक्सपेंड फॉर्म होता है, पूरा उसका जो नाम होता है वो होता है नेट टन किलोमीटर. इसलिए अगर आप ऑप्शन को केयरफुल नहीं पढ़िएगा तो गलत कर जाइएगा. तो ध्यान में रखिएगा यहाँ नेट टन किलोमीटर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज RMC. RMC का मतलब क्या होता है? RMC का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? तो RMC का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट होता है. ऑप्शन बी इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटीज आर नॉट परमिटेड अंडर STS. कहता है STS, स्टेशन टू स्टेशन स्कीम के अंतर्गत कौन सा कमोडिटीज जो होता है वह परमिट नहीं है. तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसमें इसका आंसर सी कोयला हो जाएगा. कोल जो होता है STS के अंतर्गत परमिट नहीं होता है.
तो देखिए एसटीएस क्या है, स्टेशन टू स्टेशन स्कीम क्या है, रोलिंग ऑफ रोलिंग ऑन स्कीम क्या है, 24 आवर्स स्कीम क्या है, तो बहुत सारे स्कीम्स मतलब रेलवे में क्या है, गुड्स को कैरी करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, ठीक है ना। हर गुड्स सेट का अपना एक अलग ग्रुप होता है, तो इन सबसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हमारे सरकंड और एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग जो है प्रॉपर एक वीडियो क्लास के रूप में जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं अभी जो द फ्लोइंग कमोडिटीज आर नॉट परमिटेड अंडर एसटीएस, आंसर विल बी ऑप्शन सी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरओ सर्विसेज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। देखिए आरओ क्या है, आरओ जो है, आरओ का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ क्या है इसके मतलब, ये रेलवे क्या करती है, इसके माध्यम से जो भी ऑटोमोबाइल्स जो भी सामान्स वगैरह होते हैं उसको जो है ना कैरी करने का ये काम करती है, इसमें फ्रेट्स वगैरह जो है कैरी होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, आंसर होगा मतलब आरओ जो सर्विस है वो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आईसीएमएस का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, तो आईसीएमएस का एक्सपेंड फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आईसीएमएस का फुल फॉर्म होता है, आइए ऑप्शन को देखते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आईसीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी एक्सपेंड फॉर्म में है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक क्या देख रहे हैं, अभी तक जो लखनऊ डिवीजन के जो क्वेश्चन सब देखे जा रहे हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो है एक्सपेंड फॉर्म से पूछे जा रहे हैं, एब्रेविएशन से पूछे जा रहे हैं, विस्तृत रूप से पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। कहने ये सब का सब एक ही चीज़ का नाम है, इसलिए आप इसको अलग अलग नहीं समझिएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि विस्तृत रूप से जो है लॉन्ग फॉर्म से जो है 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर ऑल पार्सल्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी 50 किलोमीटर। कहता है कि सभी पार्सल के लिए न्यूनतम चार्जेबल दूरी कितना होता है, न्यूनतम प्रभार दूरी कितना होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर। मतलब पार्सल जो है ना 50 किलोमीटर से ऊपर जो है मिनिमम इसका जो चार्जेबल डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिनिमम कितना केजी तक का पार्सल जो है ना चार्जेबल होता है, मतलब रेलवे में अगर कोई पार्सल भेजना है तो मिनिमम कितना केजी तक का पार्सल चार्जेबल होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्सल स्केल टू कैरी न्यूज़पेपर थ्रू रेलवे पार्सल। देखिए कहता है कि रेलवे पार्सल के माध्यम से समाचार पत्र ले जाने का पार्सल पैमाना क्या है, तो देखिए रेलवे में क्या है कि न्यूज़पेपर मैगजीन अगर रजिस्टर्ड है तो उसका अलग कंडीशन है, नॉन रजिस्टर्ड है तो उसका अलग कंडीशन है, ठीक है ना। जब आप पार्सल में पढ़िएगा तो इसमें दिया गया है, ऐसे जनरली जो है ना सबको इस स्केल में आप कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो कहता है व्हाट इज द पार्सल स्केल टू कैरी न्यूज़पेपर थ्रू रेलवे पार्सल, तो रेलवे पार्सल के थ्रू जो अगर न्यूज़पेपर को कैरी करना है तो एस स्केल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी परमिटेड इंक्लूडिंग अलाउंस इन एसी फर्स्ट क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन सी 150 किलोग्राम। कहता है कि एसी प्रथम श्रेणी में निःशुल्क भत्ता सहित अधिकतम कितने केजी तक आप कैरी कर सकते हैं, कहने का मतलब है मार्जिनल अलाउंसेस फ्री अलाउंसेस इस सब को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना केजी तक अधिकतम आप लेके जा सकते हैं, तो एसी फर्स्ट क्लास में अधिकतम 150 किलो तक लेके अपने लगेज को जा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है। अगर 150 केजी से ऊपर का है तब आप नहीं लेके जा सकते हैं, अधिकतम 150 केजी तक उसका हाईएस्ट सीमा रखा गया है, मार्जिनल अलाउंसेस फ्री अलाउंसेस ये सब के सब जो है मिलाकर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कंसेशन प्रोवाइड अमॉन्ग्स एनी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर इन एनी क्लास,
आंसर विल बी ऑप्शन बी 100%। कहता है किसी भी वर्ग में किसी भी श्रेणी के यात्री को रेलवे टिकट में इनमें से अधिकतम कितनी रियायत प्रदान की जा सकती है। क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कंसेशन प्रोवाइडेड अमॉन्गस्ट एनी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर इन एनी क्लास। आंसर विल बी ऑप्शन बी 100%। देखिए ये कंसेशन जो होता है ना, कंसेशन 100% तक मैक्सिमम मिलता है, 100 मतलब उससे तो ऊपर होगा ही नहीं उससे तो ऊपर होगा ही नहीं जाए। मतलब कहने का मतलब है कि मैक्सिमम कंसेशन जो है 100% जो है मिलता है। ये निर्भर करता है कि किस तरह के मतलब वो पैसेंजर हैं, किस क्लास में जा रहे हैं और उनका क्या कंडीशन है, ठीक है ना, ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन अधिकतम आपको 100% तक कंसेशन मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर NSG4 कैटेगोरी स्टेशन। देखिए आपको हम बार बार कहते हैं कि आप जिस डिवीजन में काम करते हैं आपको वहाँ का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये लखनऊ डिवीजन का है तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेशन जो है NSG4 कैटेगोरी में आता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ का लोकल क्वेश्चन है, आप हम इसको छोड़ रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन हैव गुड शेड। देखिए ये भी लोकल क्वेश्चन पूछा गया है कि उस लखनऊ डिवीजन में जो है कौन से स्टेशन पर जो है गुड शेड है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको हम बार बार कहते हैं कि आप जिस डिवीजन में जिस जोन में काम करते हैं उस डिवीजन के जो जो बड़े बड़े गुड शेड हों, बड़े बड़े स्टेशन कोड हों, उस जोन के GM हो, AGM हो, DRM हो, डिवीजन के सीनियर DCM हो, ADRM हो, उसके बाद स्टेशन कोड हो, उसके बाद जो है लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स हो, बड़े बड़े गुड्स शेड हो, बड़े बड़े स्टेशन हो, उन सब के बारे में बेसिक आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आपके जोन में कितने डिवीजन्स हैं, आपके डिवीजन्स में जो है आपका डिवीजन जो है कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, किस स्टेशन तक आपका लास्ट डिवीजन है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस सबको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये वहाँ का लोकल क्वेश्चन है, हम इसको छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज जनरली ऑथराइज टू गिव एडवांस स्टॉकिंग परमिशन। कहता है सामान्यतः अग्रिम स्टॉकिंग देने के लिए कौन अधिकृत है, मतलब कौन जो है ऑथराइज्ड है। तो देखिए सीनियर DCM जो होते हैं वो सीनियर DOM से कंसल्ट करके जो है यह परमिशन दे सकते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, सीनियर DCM इन कंसल्टिंग विथ सीनियर DOM। क्वेश्चन को पूछ रहा था, हु इज जनरली ऑथराइज्ड टू गिव एडवांस स्टॉकिंग परमिशन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, सीनियर DCM इन कंसल्टिंग विथ सीनियर DOM। मतलब सामान्यतः अग्रिम स्टॉकिंग देने के लिए जो है कौन अधिकृत है, तो जो सीनियर DCM होते हैं वह सीनियर DOM से कंसल्ट करके दे सकते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर वेवर ऑफ डेमोरेज चार्जेज। अब देखिए डेमोरेज क्या है, वारफेज क्या है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर बने हुए हैं। अभी तक अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं गुड्स से पूछे गए हैं, गुड्स से यहाँ पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसे अभी हम एनालाइज कर रहे हैं लखनऊ डिवीजन के जो भी क्वेश्चन एग्जाम हुए क्वेश्चन पेपर को, तो लगभग लग रहा है कि 20-20 क्वेश्चन जो है ना गुड्स से और कोचिंग से दोनों से पूछे जा रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन हैं। और एक चीज़ आपको बताना हम भूल गए कि हमारे YouTube चैनल पे जो एक मिनिस्ट्रियल करके जो है एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं लीव से रिलेटेड, मिनिस्ट्रियल वर्क से रिलेटेड, उससे भी आए दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर वेवर ऑफ डेमोरेज चार्जेस। कहता है कि डेमोरेज चार्जेस का जो डेमोरेज जो चार्ज होता है उसको मतलब चार्ज को जो कौन वेव ऑफ कर सकता है, मतलब उसको कम कर सकता है, कौन छूट दे सकता है, कौन रियायत दे सकता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है, फाइनेंस कंकरेंस इज नेवर रिक्वायर्ड वाइल वेविंग ऑफ। सेकेंड है, फाइनेंस ऑकोरेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड वाइल वेविंग ऑफ। थर्ड है, फाइनेंस ऑकोरेंस इज रिक्वायर्ड ओनली इफ डेमोरेज चार्जेज पर वैगन एक्सीड सर्टेन वैल्यू। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए ऑप्शन सी जो है
फाइनेंस कॉन्फ्रेंस इज रिक्वायर्ड ओनली इफ डेमरेज चार्जेस पर वैगन एक्सीड सर्टेन वैल्यू। ये इसका आंसर होगा। आइए इसको हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। कहता है विलंब शुल्क में छूट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन सी कहता है कि बीट सहमति केवल तभी आवश्यक है जब प्रति वैगन विलंब शुल्क निश्चित मूल्य से अधिक हो, मतलब उसका जो सर्टेन जो वैल्यू है उसका जो कुछ एक वैल्यू फिक्स है अगर उससे अधिक है उसी कंडीशन में जो है आपको जो है ना छूट के बारे में सोच सकता है। ऐसा थोड़े है कि जो उसका चार्जेबल या वैल्यू जो सर्टेन वैल्यू उससे कम किया जाए, नहीं। अगर उसका जो सर्टेन वैल्यू है अगर उससे अधिक हो रहा है तब उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है छूट देने के लिए। तो डेमरेज क्या है, वारफेज क्या है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज सरकंड ऑन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द बेस रेट ऑफ डेमरेज चार्ज पर वैगन पर आवर और पार्ट देयर ऑफ इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 150 रुपीज। कहता है प्रति वैगन प्रति घंटा या उस भाग के लिए विलंब शुल्क की आधार दर क्या है, बेसिक रेट क्या है, तो वह 150 है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ वारफेज चार्ज फॉर ग्रुप थर्ड गुड सेट ऑफ पर वैगन पर आवर और पार्ट देयर ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए 75। कहता है ग्रुप थर्ड गुड सेट के लिए प्रति वैगन प्रति घंटा या उसका भाग के लिए स्थान शुल्क की दर क्या है, वारफेज चार्ज का रेट क्या है, तो वह है 75। देखिए इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आपको हम बार बार कर रहे हैं और अभी तक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो इसे पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में गुड्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप जो है नोट्स को जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। जब आप नोट्स को पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि गुड सेट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, गुड सेट 1 है, गुड सेट 2 है, गुड सेट 3 है और उसका अलग अलग चार्जेस होता है। गुड सेट 1 का वारफेज क्या होगा, डेमरेज क्या होगा, गुड सेट 2 का वारफेज क्या होगा, डेमरेज क्या होगा, सबका लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए बार बार कहते हैं कि नोट्स को तो जरूर पढ़ा कीजिए लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज CC+8 रिलेटेड टू इन रेलवेज। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं व्हाट इज CC+8 रिलेटेड टू इन रेलवेज। ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी ऑन ए सर्टेन रूट। देखिए CC+8 क्या है, यह जो है ना किसी सर्टेन मार्ग पर जो है किसी निश्चित मार्ग पर जो है फ्रेट को जो है माल को जो है वहन करने की क्षमता होता है, मतलब उस ट्रैक से उस रूट से जो है कितना कैरी कर सकता है कोई गुड्स जो है लोड, जब कोई मालगाड़ी चलेगा तो उस रूट से जो है कितना लेके अपने ट्रैक पे वो जा सकता है वह इंडिकेट करता है क्या, CC+8। कहने का मतलब है किसी निश्चित मार्ग पर जो है माल वहन करने की यह क्षमता है क्या, CC+8। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ETRR रिलेटेड टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। कहता है ETRR किससे संबंधित है, तो ETRR जो है फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, माल ढुलाई से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ट्रू अबाउट कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इट इज एप्लीकेबल टू कोल, BOXN इज परमिटेड वैगन फॉर लोडिंग अंडर दिस स्कीम। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन डी है नाइदर ए और नॉर बी इज ट्रू। देखिए फ्रेंड्स इसको हम स्कीप करते हैं, इस पर थोड़ा हमको डाउट है इसलिए क्वेश्चन को हम लीव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऐसे हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज हॉपर वैगन। देखिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, कहता है इसमें से बताना है कौन सा हॉपर वैगन नहीं है। तो हॉपर वैगन का जो पहचान होता है वह BOB लिखा रहेगा, BOB अगर जिस वैगन में लगा हो स्टार्टिंग में वो हॉपर वैगन होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए BOBRN है, BOBYN है, BOXN है, तो BOXN हमारा हॉपर वैगन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज हॉपर वैगन। हॉपर वैगन इसमें से कौन नहीं है, तो BOXN क्या है हमारा हॉपर वैगन नहीं है। BOXN क्या है हमारा हॉपर वैगन नहीं है। आपको हम क्या बता रहे हैं कि
हॉपर वैगन का पहचान कैसे करेंगे, जिसमें क्या हो बीओबी लगा हो, मतलब स्टार्टिंग में क्या लगा हो बीओबी, वो क्या होगा हॉपर वैगन होगा। तो यह ऑप्शन ए में लगा है, ऑप्शन बी में लगा है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं लगा है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा हॉपर वैगन नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट तत्काल टिकट्स, तत्काल टिकट्स के बारे में इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए कहता है चार्ज चेंज ऑफ नेम इज नॉट परमिटेड, कहता है तत्काल जो टिकट्स होते हैं उसमें आप नाम का चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई अगर तत्काल टिकट जिसके नाम से कट गया हो उस नेम को चेंज आप नहीं कर सकते हैं। यह क्या है सही है इस तत्काल टिकट से संबंधित, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि तत्काल टिकट में जो तत्काल टिकट जिसके नाम से कट गया उसके नाम में अब चेंज नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर ए वैलिड फोटो आईडी कार्ड ड्यूरिंग जर्नी विथ रेलवे टिकट्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव आर वैलिड। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेलवे टिकट के साथ वैलिड आईडी कार्ड नहीं माना जाता है। तो देखिए रेलवे टिकट्स के साथ पैन कार्ड वैलिड है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब वोटर लिस्ट भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड आईडी प्रूफ है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऊपर जो ऑप्शन जितने भी दिए हैं इस सब के सब वैलिड है, आईडी प्रूफ्स हैं, इन सबको लेकर आप रेलवे टिकट के साथ कैरी कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कमीशन टू हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर इन रुपीज, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 19,500। कहता है हॉल्ट ठेकेदार के लिए अधिकतम संभव कमीशन रुपए में कितना होता है, तो वह 19,500 रुपए होता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग इतना ही रख रहे हैं, आने वाले वीडियोज में भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDCE क्लासेस।